मैंने बताया ये जो आपको निशान नजर आ रहा है ना, इस निशान तक ये ग्लेशियर हुआ करता था और ये 2-3 सालों में ये 2-3 किलोमीटर पीछे तक आ गया है मौसमी एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से। और करीमाबाद से थोड़ा सा आगे आए तो ये एक ब्रिज आता है जिसका नाम है गणेश ब्रिज, और यहाँ पे आगे ये साइन बोर्ड लगा हुआ है नगर खास और होपर और हिस्पर। नगर खास है 10 किलोमीटर, होपर है 18-18.5 किलोमीटर और हिस्पर है 35 किलोमीटर। इस तरफ से ये रास्ता जाता है और अभी मैं जाऊँगा इस तरफ और आगे जाएँगे हम नगर खास में, वहाँ पर मैं स्टे करूँगा 1-2 दिन। पहाड़ की चोटी के ऊपर मैं आ गया हूँ और ये आप सामने देख सकते हैं ये आगा जवाद ने यहाँ पे ये मदरसा बनाया हुआ है, और ये बिल्कुल सामने हिस्पर रोड है जो कि 100 साल से भी ज़्यादा कदीम है, और लेकिन वो इस वक्त ख़त्म हो चुका हुआ है लैंडस्लाइडिंग के बायस। ऊपर जाने का रास्ता जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और थोड़ी सी चढ़ाइयाँ हैं इसकी, और हम जाएँगे आराम आराम से। अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नगर खास चौक से तकरीबन जो है 4 किलोमीटर का फासला है होपर जाने तक का। होपर एक बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर है और होपर वैली है जो कि वैली ग्लेशियर के बिल्कुल ऊपर आती है, और यहां से यही इसके होपर की ख़ास बात है। अभी हम उसी तरफ जाएंगे और आगे आपको नज़ारा दिखाएंगे होपर का। सुबह सुबह का वक़्त था और सोचा कि खाली पेट हैं तो नाश्ता किया जाए, यहाँ का रिवायती फूड फिटी और नमकीन चाय। ये ले जी, ये हम आ गए हैं जी नगर खास चौक में, और यहाँ से अगर आप जाते हैं लेफ़्ट की तरफ तो आप जा सकते हैं हिस्पर ग्लेशियर, और इस तरफ से जाएंगे तो इधर जाएंगे होपर। ये आप छोटा सा साइन बोर्ड देख सकते हैं होपर की तरफ जाने वाला यहाँ पे लगा हुआ है बिल्कुल चौक के अंदर। अभी हम इस तरफ जाएँगे होपर की तरफ। ये आप रास्ता देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, और बिल्कुल सामने पहाड़ और उनके चोटियों के ऊपर बिल्कुल बर्फ़ जो कि दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। ये नज़ारे देखकर मुश्किल रास्ते जो हैं वो आसान लगने लग जाते हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे आप पहाड़ों के ऊपर बादल देखें कितने खूबसूरत आए हुए हैं, और जैसे जैसे मैं ऊपर ग्लेशियर की तरफ जा रहा हूँ तो वैसे वैसे मुझे ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। ले जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं इस वक्त होपर ग्लेशियर के गांव में, होपर विलेज में, और ये है जी उस्वा फाउंडेशन स्कूल जो कि यहां का पोजीशन होल्डर स्कूल है। नगर खास में इसकी दूसरी ब्रांच है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि फोर साइड व्यू बहुत ही खूबसूरत है। यहां के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, और यहाँ पर जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ है। इस गांव की ख़ास बात यह है कि ये जो विलेज है ये ऊपर की तरफ है और ग्लेशियर इसका वो नीचे की तरफ है, और यहाँ से आप जा के जब ग्लेशियर का नज़ारा करते हैं तो आपके सारे पैसे यहीं पे पूरे हो जाते हैं, और जब आप नीचे की तरफ देखेंगे ऊपर से तो फिर आपको नज़र आएगा कि ग्लेशियर कितना नीचे की तरफ है। और यह आप फोर साइड व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कितनी खूबसूरत पीक्स नज़र आ रही हैं, और यहाँ से आप स्पॉन्टिक पीक और गोल्डन पीक और बहुत सारी दूसरी पीक्स का यहाँ से नज़ारा कर सकते हैं। इस गांव की खासियत एक ये भी है कि ये नगर के लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश अखलाक हैं और एंजॉय करने वाले हैं, और ये आप छोटे से बच्चे को देखें कितना साफ नजर आ रहा है, और आप सोचते होंगे कि सलमान भाई एंजॉय कैसे करते हैं अकेले अकेले, तो मैं भाई कोई मौका नहीं छोड़ता एंजॉय करने का। और यहाँ पर बच्चे डांस कर रहे थे यहाँ का रवायती रक्स, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा अपना भी हिस्सा डाल लें, और यहाँ पे और फिर मैं भी शुरू हो गया। होटल्स भी बने हुए हैं एक अच्छी तादाद में, यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, और ये आप देखें यहाँ पे जो है पार्टीज़ भी हो रही हैं, और इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स के ट्रिप भी बहुत ज़्यादा आते हैं, और आप सब यहाँ पर आके ज़रूर होपर को इंजॉय करें और यहाँ पर इसके जो है नज़ारे देखें अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी, और अपनी आँखों से भी। वाह माशाल्लाह।
ये आप देख सकते हैं कि फाइनली पहाड़ के ऊपर पहुंचते सामने ये नज़ारा आया है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा ग्लेशियर है और ये आप इसको गौर से देखें तो ये सारे पत्थर नहीं है, ये सारी की सारी बर्फ़ है और ये बहुत ही हैवी किस्म का ये ग्लेशियर है। जो कि इन्हें बताया, ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ना, इस निशान तक ये ग्लेशियर हुआ करता था और ये 2-3 सालों में ये 2-3 किलोमीटर पीछे तक आ गया है मौसमी एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये रिसोर्स है बहुत बड़ा पानी का और ये पूरे इलाके को इससे, ये बिल्कुल ऊपर ग्लेशियर के साथ बिल्कुल चोटी के ऊपर ये सामने होटल बनाया गया है और ये पैदल जाने का रास्ता है और ये आदमी ने खुद अपने हाथों से ये होटल तैयार किया है और आखिर में जब ये होटल तैयार हुआ तो इसको इनाम भी दिया गया है। इसको होटल का नाम है जंगल का। आप यकीन माने कि यहाँ पर आके मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ और बहुत ही मैंने इन्जॉय किया इन लोगों के बीच में। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।